एक समय तालभ्य ऋषि ने उन सत्य ऋषि से यह प्रश्न किया, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप करते हैं। पराए धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं। फिर भी उन मनुष्यों को नरक की प्राप्ति नहीं होती, इसका क्या कारण है? वह कौन सा दान और पुण्य है जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर पुरुषोत्तम मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र भी नहीं जानते, परंतु मैं आपसे यह गुप्त तत्व अवश्य ही कहूंगा। पुरुषोत्तम मुनि ने कहा, माघ मास आरंभ होते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री हरि का पूजन करें। भगवान की धूप, दीप और कपूर इत्यादि से उनका पूजन करें तथा भगवान को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए उनसे यह प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, आप जीवों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे सुब्रह्मण्य, आप माता लक्ष्मी सहित इस अर्घ को ग्रहण करें। इस दिन तिल का स्नान करें और तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजार वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, यह तिल के छह प्रकार हैं। तिलों के प्रयोग के कारण ही यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है। इतना कहकर पुरुषोत्तम ऋषि ने कहा, अब मैं तुमसे इस व्रत की पावन कथा को कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय श्री नारद मुनि ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे इस व्रत की सत्य कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। एक समय पूरे एक मास तक वह ब्राह्मणी व्रत करती रही। इस कारण उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह ब्राह्मणी अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं किया था। अतः मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत इत्यादि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब तो उसे विष्णु लोक मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है और अन्न दान के बिना इसकी तृप्ति होना अत्यंत ही कठिन है। भगवान श्री विष्णु ने कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया तथा उस ब्राह्मणी से मैंने भिक्षा मांगी। मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, हे देवी,
आप मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। ऐसा कहने पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग को लौट आया। कुछ समय के पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को चली गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का ढेला दान करने के कारण स्वर्ग में एक सुंदर महल की प्राप्ति हुई। परंतु उस ब्राह्मणी ने अपने महल को अन्न इत्यादि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह ब्राह्मणी घबरा कर मेरे समीप आई तथा कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत और पूजा इत्यादि से आपकी पूजा की थी, परंतु फिर भी मेरा महल अन्न इत्यादि सभी वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है भगवान? यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम अपने महल में जाओ। स्वर्ग से कुछ देव स्त्रियां तुमसे मिलने तुम्हारे महल में आएंगी, परंतु तुम इन स्त्रियों से षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनना तथा उसके पश्चात ही अपने महल के द्वार खोलना। भगवान विष्णु की ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ समय के पश्चात कुछ देव स्त्रियां उस ब्राह्मणी के महल में आई और ब्राह्मणी से द्वार खोलने के लिए कहा, परंतु उस ब्राह्मणी ने कहा, हे देवियों, आप पहले मुझे षट तिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि बताओ, तभी मैं अपने महल के द्वार आपके लिए खोलूंगी। तब उनमें से एक देव स्त्री ने ब्राह्मणी को षट तिला एकादशी का संपूर्ण महात्मय सुनाया। इस महात्मय को सुनकर उस ब्राह्मणी ने अपने महल का द्वार उन स्त्रियों के लिए खोल दिया। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मणी ने षट तिला एकादशी का यथाविधि व्रत किया तथा तिलों का यथावत दान भी दिया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह ब्राह्मणी सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका महल अन्न इत्यादि सभी सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने श्री नारद से कहा, हे मुनि, इस प्रकार जो मनुष्य षट तिला एकादशी का व्रत कर उस दिन तिलों का दान करता है, उसके दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री नारायण, बोलो जय श्री हरि। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूंगी। जय माता दी।